अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जानी चो तुम्हारे ये भूल पाई आजी मामा कर हुए तो जीवन जाई था ना कौन हाँ आजी गोटे लोग को मामा को ऑफिस को आस्था ला ते गोटे छुरी रे मामा को ऊपर अटैक करी बाकी जाऊँ थला जो दी मामा को पकड़े बंदूक को था ना ताहले ते समिति करी बाकी साहस भी पाई न था ना भाग्य भलो मुँह ठीक समय रे मामा को ऑफिस रे पहुंच गई और जो दी मुँह ठीक समय रे सेटी न पहुंची था ताहले आजी मामा को कौन है था सिर्फ भगवान जानती किंतु विष्णु तो मो मामा हमते सब बड़े नियर खेलला भले काम काहे की करचंती सेमिति कोले नीचे विपद रे पड़ीबार संभावना तो रहिबो ना जति सीए कार किछ क्षति करबा को चाहिबेनी ताहले तांकू भी केही अटैक करबा कथा भाबीबेनी प्रिया ए सबु कथा पे एबे समय नाही ओ बस एत्ती की कहबी तमे जहा भी कोला ना से सब पूरा पूरी भूल थेला प्रिया मु तमको आगुरु भी कहि छौ एबे भी कहू छी तमे तो मामा को काम रे डायरेक्टली इंटरफेयर करनी जे जहा भी करू चंती ताको काम रे तमे डायरेक्टली बाधा दियोनी प्लीज ताले तुम तांको केबे भी सुधारी परिबेनि विष प्रथमे तांको ए पोंद घटु दूरे रखिबा को ता परे जाय मु चाह करबा को चाहू छी सेटा करि परि तांको भूल बाटरो ठीक बाटो गाणी परि तमको सेति पे अलगा किसी बाटो खोजिबा को पड़िबा प्रिया किंतु डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रिया तमें जानी नो मामा करो कितने शत्रु अच्छा मामा किसी न कले भी ना से माने मामा करो क्षति करी पारंती प्रिया प्रिया प्लीज ठीक है बुझवे को चेष्टा करो इडा उची मामा करो जीवन और प्रश्न हो सिर्फ हमें जहाँ भी करूँ चुना आमुगु भावी चिंती करी बाकु पड़ी बा ओके ओके मुझे से बंद कर दे तमे बंदूक आनीच बोली मामा जानी भाग मत बंदूक मामा पाखे रखा पड़ा मत दि फोन तमे सेमती किछि भी करि परिबोनि प्रिया प्रिया मु कहू छी मत बंदूक दे विष्णु प्लीज मते एक कथा तमे बाध्य कर प्रिया मु कहली मते बंदूक दियो सेमती करबा को केबे भी दे मो कथा बुझो मते बंदूक दियो मु से जबरदस्ती कर तमे बुझो प्रिया कहू छी मते बंदूक दियो तमको बंदूक दे परबी बंदूक दियो प्रिया कथा तो बुझो मते बंदूक दियो छोड़ो छोड़ो सॉरी सॉरी प्रिया मु आज तुम कथा रखी पारुनी मते जेमी तेले भी ए बंदूकडा मामा को फेरिबा को पड़ीबो मु आछि विष्णु 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 प्लीज मो कथा सुनो विष्णु सेंदी करो प्लीज विष्णु एमिति केमती करि परचोंके तांको मामा को बंदूक फेरे तांको मामा करथबा भूल काम को प्रश्रय दउचोंती कि तुम विष्णु को तो एटा केबे भी आशा कर नथिले केबे भी नहु विष्णु प्लीज मो कथा सुनो विष्णु प्लीज नहीं विष्णु मु तुमको एमिति करबा को दे परि तुम्हें बुझि पारु न तुम मामा को ए बंदूक फेरे इनडायरेक्टली तांको भूल काम को तुम्हें सपोर्ट करबा को जाउछ जोटा की पूरा पूरी भूल प्लीज प्लीज तुम एम कर प्लीज दि मत बंदूक दि नहीं नहीं प्रिया ए बंदूक मु तुम को मामा को दे छाड़ मत मु जानी सुनी कि मो मामा को जीवन विपद रे पके परबिन छाड़ मत ठीक अछि ठीक अछि जदि सेमिति भाबु छ ताल तुम मामा को से ऑफिस जीवा बंद कर देबे से जो सब इलीगल काम करछथि से सब काम को छाड़ी देबे तापरे देखिबो आपे आपे तांको ऊपर जो सब विपदर संभावना रहछि से सब दूर हेछिबो प्लीज विष्णु प्लीज मो कथा मान से बंदूक मत दे दियो प्लीज नहीं प्रिया आगु उठ विष्णु प्लीज प्रिया प्लीज मो कथा मान कथा सुनो मते आगु पीछे विष्णु प्लीज मते बंदूक मु कहू नहीं नहीं प्रिया बंदूक न बंदूक छोड़ा हम कहू नहीं बंदूक विष्णु बंदूक मत विष्णु प्लीज मो कथा पूरी फटी जा अरे बंदूक छोड़ा कहू प्रिया प्रिया विष्णु प्लीज
ହଷ୍ଟେଲ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁକ କେବେ କାହାକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିନଥାଏ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଝରାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏକଥା କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ରହିଯାଅ ବିଷ୍ଣୁ, ରହିଯାଅ, ମୋ କଥା ମାନ। ତମ ମାମାଙ୍କୁ ଏ ବନ୍ଧୁକ ଫେରେଇ ଦେ, ସେ କରୁଥିବା ଭୁଲ କାମକୁ ତମେ ସମର୍ଥନ କରନି। ତମ ମାମା କରୁଥିବା କଳା ଧନ୍ଦାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ତମେ ସୁଧୁରି ଯିବ ବୋଲି ମୋତେ ବଚନ ଦେଇଥିଲ, ଆଉ ତାପରେ ସତକୁ ସତ ତମେ ଖରାପ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେ ଭୁଲ ତମର ସେ ବାଟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହିଁ ଠିଆ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ବିଷ୍ଣୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ବିଷ୍ଣୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କରନି। ଶୁଣ ବିଷ୍ଣୁ, ତମେ ଏବେ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ପାରୁନ। ହେ ବନ୍ଧୁକ ତମ ମାମାଙ୍କୁ ଫେରେଇବା ପରେ ଆଇନାରେ ତମେ ନିଜ ସହିତ ବି ଆଖି ମିଶେଇ ପାରିବନି। ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ତ ଚାହୁଁଛି ମାମା କେମିତି ଭୁଲ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଠିକ ବାଟକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ନା ୟାର। ଯଦି ଯଦି ସେ ସମୟ ଆସିବା ଆଗରୁ ମାମାଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତ ମୋ ଜିତିବା ବାଜିବି, ମୁଁ ହାରିଯିବି। ଆଜି ଆଜି ଯେମିତି ମାମାଙ୍କ ଅଫିସ ଆସି ମାମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଆଟାକ୍ କଲା, ସେଟା ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ, ମୋତେ ଏ ବନ୍ଧୁକଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମାମାଙ୍କୁ ଫେରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣ ବିଷ୍ଣୁ, ଜି5 ପର ପୁରେ ଏପିସୋଡ୍ସ ଦେଖେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, ଅଭି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରେଁ।